जय हिंद सभी साथियों को, मैं नवीन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बीएससी मैथमेटिक्स में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं स्टैटिक्स और डायनेमिक्स के बारे में, और मैं आपको स्टैटिक्स और डायनेमिक्स का नोट्स देने वाला हूं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2019 के लिए। और जितने भी क्वेश्चन 2018 में और 2017 में और 2015 में पूछे गए थे, और इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2019 के लिए, मैं इस वीडियो में ऐड किया हूँ और आपके लिए लाया हूँ, ठीक है। अगर आप इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जो कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। अगर इस वीडियो पर मतलब इस वीडियो पर टारगेट है अगर 50 लाइक आ जाता है तो मैं अगला टॉपिक मतलब रिंग्स थ्योरी हो गया, ग्रुप थ्योरी हो गया, और इसके बाद बहुत सारे टॉपिक है, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, रियल एनालिसिस हो गया, इसी टाइप का वीडियो बना कर लाऊँगा नोट्स सभी का, ठीक है। और जैसा कि आपको पता होगा कि बिहार यूनिवर्सिटी पार्ट थर्ड का एग्जाम 6 नवंबर से है, और इससे पहले आपका सभी सब्जेक्ट का नोट्स कम्प्लीट होना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने क्वेश्चंस आ चुके हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, मतलब बार बार रिपीट करता ही है, और ये 2015 में पूछा गया था और ये 2013 में पूछा गया था, मतलब ये रिपीट करता है बार बार। एक ये और एक और है न्यूमेरिकल जो इस वीडियो में ऐड किया हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये न्यूमेरिकल 2018 में पूछा गया था। तो वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा और वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। और ये नोट्स है, मैं आपको ज़्यादा मैं हम डीप में नहीं जाएंगे, जो समझने वाला पार्ट होगा इसी को समझाएंगे ताकि आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और आप नोट्स बनाए तो आपको अच्छे से समझ में आ सके, और क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन ये पढ़ लेना है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, और इसमें क्या दे रखा है इतना बार आपको क्वेश्चन प्रूव करना है। तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं इलिप्स का, और इसका नाम देते हैं, क्या देते हैं, एक्स देते हैं, एक्स डैश हो गया, ये वाई डैश हो गया, और ऊपर आपका वाई हो गया, और इधर आपका जेड हो गया। और इस प्रकार हम कह सकते हैं ये आपका ओ एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ओ वाई एक्सिस, और ये क्या हो गया नीचे वाला ओ जेड एक्सिस हो गया, ठीक है। और इसके बाद ये ए हो गया, ए डैश हो गया, और बी डैश हो गया, ये ओरिजिन हो गया, ठीक है। इसके बाद हमको आपको पता होना चाहिए कि जो ये आपका है ना मेजर एक्सिस होता है, इसको हम मेजर एक्सिस कहते हैं, इसको हम मेजर एक्सिस करते हैं, और इसका पूरा लंबाई क्या होता है 2a होता है, और हाफ ले तो a और a, ठीक है। और इसका जो ऊपर वाला है इसको क्या कहते हैं, माइनर एक्सिस कहते हैं, मीनर एक्सिस, इसको हम मीनर एक्सिस कहते हैं, और इसका भी लंबाई आधा यहाँ a और a, तो पूरा कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। और जो मैं आपको बताया हूँ इसको ही आपको लैंग्वेज में यहाँ पर लिख देना है, इसमें परपेंडिकुलर भी होगा। देखिए इसमें एक और बात को जान लीजिए, जो ये है ना 1, 2, 3, 4, और जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो 1/4 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इसका जो जो हम लिखे हैं यहाँ पर लिख देंगे, देखिए ओ एक्स एंड ओ वाई बी टेकन अलॉन्ग द मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस, ठीक है। इसके बाद आपको ओ जेड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, इतना करने के बाद आपको ए बराबर निकालना है, क्या निकालना है ए बराबर, तो एम आई ऑफ द प्लेट अबाउट ओ एक्सिस, ठीक है, सॉरी। और एम आई का फुल फॉर्म क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्सिया। जब इसको हम निकालेंगे ए बराबर, तो अभी बताए थे कि 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो 1/4 लिख दिए, और इसमें ए मास, ठीक है, मास यहाँ पर लिख दिए, और ए होगा ना ए, तो यहाँ पर स्मॉल बी से स्क्वायर करेंगे, मतलब यहाँ पर स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद बी जब होगा तो यहाँ पर स्मॉल ए से करेंगे, और अब सी होगा तो दोनों को जोड़ कर यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। इसे और आसान से समझने के लिए देखिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर, कितना निकालना था हमारा, इतना निकालना था, ठीक है। और इसका एलसीएम क्या हो जाएगा नीचे वाला का, हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसका जब निकालेंगे तो ए तो रहेगा, इसका निकालें तो बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा बी, तो यहाँ पर लिखें बी स्क्वायर। इसका निकालें तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और जब इसका निकालें तो क्या होगा, इसका तो बी यहाँ बी देगा प्लस ए स्क्वायर देगा, ठीक है। तो इसका ही कोएफिशिएंट जेड का कोएफिशिएंट इतना हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और वाई का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और एक्स का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का बी स्क्वायर, ठीक है। आपको एलसीएम यहाँ पर एलसीएम निकाल के चेक कर लेना है, तो इसी का हम यहाँ लिख दें एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पर बी स्क्वायर लिख दिए हैं, ए स्क्वायर लिख दिए हैं, और इसका है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इतना लिख दिए हैं, और मास तीनों में लगा चुके हैं। इतना करने के बाद आपको ये इक्वेशन आपको याद होना चाहिए, मोमेंटल ऑफ इलिप्स का एक इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड एक्स स्क्वायर माइनस टू डी वाई माइनस टू ई जेड एक्स और माइनस टू एफ एक्स वाई कॉन्स्टेंट, ठीक है। इतना आपको याद रखना होगा तब आपको इसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और इतना करने के बाद ए का वैल्यू जो निकाले हैं हम, बी का जो वैल्यू निकाले हैं, सी का जो वैल्यू निकाले हैं, यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो ए का वैल्यू क्या निकाले हैं, देखिए ए का वैल्यू निकाले हैं एम बटा फोर हो जाएगा, यहाँ पर बी स्क्वायर हो जाएगा, तो जो जो वैल्यू निकाले हैं यहाँ पर हम पुट कर चुके हैं, और एक्स स्क्वायर तो है ही, तो एक्स स्क्वायर लिख दिए, फिर बी का वैल्यू, सी का वैल्यू, और यहाँ से ब्रैकेट में आपको लिख लेना है
डी बराबर जीरो, डी बराबर जीरो बराबर ई बराबर जीरो, ए बराबर जीरो, आपको इतना लिख लेना है कि जहाँ भी डी होगा इसका मान जीरो बिठा देंगे, जहाँ भी ई होगा इसका मान जीरो, जहाँ भी एफ होगा इसका मान जीरो बिठा देंगे। तो यहाँ पर हम जीरो बिठाएंगे डी का मान, तो ये पूरा जीरो, तो यहाँ पर नहीं लिखेंगे, इसको भी नहीं लिखेंगे, इसको भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर मान बैठाने पर जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसको इतना रहने देंगे। अब सभी में एम बाई फोर कॉमन है, तो एम बाई फोर कॉमन ले लेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है, बीच में। और इतना करने के बाद आपको इसको जब कॉन्स्टेंट, मतलब जीरो कॉन्स्टेंट है तो जीरो होगा, तो ये बराबर कूट सहर जाएगा तो जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा, और हमारा कितना बचेगा, इतना बचेगा, इतना बचेगा, तो यहाँ पर लिख चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हमको इसमें डिवाइड कर देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि हमको कितना लाना है, हमको लास्ट में इतना लाना है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे सभी में, यहाँ पर इधर भी दोनों साइड में, तो आपको यहाँ से कुछ कटने के बाद इस प्रकार आ जाएगा, इस पर आ जाएगा। इसके बाद इसको भी बारी बारी से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ए स्क्वायर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो वन बाई बी चला आएगा, फिर इसमें दोनों से डिवाइड करेंगे तो इतना आ जाएगा, मतलब ये आपका प्रूफ हो चुका है, क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट करता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए, ये 2018 में पूछा गया था, कब पूछा गया था, 2018 में, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, और आपका दे रखा है तो इसको हम प्रूव करेंगे। यहाँ पर देखिए, इसका कोफिशिएंट कितना, इतना लिखेंगे, वाई का इतना, जेड का इतना। तो यहाँ पर एक इक्वेशन होता है इलिप्स का इतना, और यहाँ से हम क्या करेंगे, 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब गिनेंगे इसी तरह फिगर ड्रॉ करके तो 1/5 आएगा। ठीक है, 1/5 आएगा, तो यहाँ पर देखिए 1/5 लिख दिए, ये बराबर निकालेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट ओ एक्स। और ये क्वेश्चंस जो है ना, बार बार सेम ही सेम क्वेश्चन पूछ जाता है, मतलब ये बच्चों को याद ही हो जाता है कि 1/5 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब बार बार रिपीट ही कर देता है ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन, तो आपको भी याद ही हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या करना है, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, एम आई का मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट ओ एक्सिस, और 1/5, और मास लगा देना है, और ए के साथ देखिए यहाँ पर एक्स के साथ क्या लगा हुआ है, एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो यहाँ पर ऐड कर दिए, फिर वाई का इतना लगा देंगे, फिर जेड का इतना लगा देंगे, तो यहाँ पर बी बराबर निकालेंगे तो इतना आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्जिया, और सी को भी निकालेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, फिर डी बराबर ई बराबर ए बराबर जीरो पुट कर देंगे। अब इसके बाद इतना हम जानते हैं कि इतना हमारा इक्वेशन होता है, इक्वेशन लिख देंगे, और इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे, ए का वैल्यू पुट कर देंगे, जो कॉमन होगा कॉमन ले लेंगे, इसमें भी पुट कर देंगे, जो कॉमन होगा कॉमन ले लेंगे, और ये सब तो आपका जीरो हो जाएगा, पुट करेंगे जीरो तो जीरो हो ही जाएगा, ये कॉन्स्टेंट हो जाएगा। इतना करने के बाद सभी हमसे एम बाई फोर कॉमन लेने पर इतना आ जाएगा हमारा, और यहाँ पर देखिए इतना कॉमन लेने पर आपको ये बराबर कूट साइड में जाएगा तो जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कॉन्स्टेंट में, तो इतना आपका बचेगा, हमको इतना ही प्रूव करना था, इसमें और ज़्यादा गुना भाग करने की जरूरत नहीं है, इतना ही हमको निकालना था, इतना आपका कॉन्स्टेंट आ गया, ये प्रूफ हो चुका है। और आपका अगला क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसमें डेफिनेशन आपको देना है, इसका डेफिनेशन देना है, एक और इसका डेफिनेशन देना है, मतलब दो का डेफिनेशन देना है। तो सबसे पहले डेफिनेशन को देख लेते हैं, ये फर्स्ट वाले का यहाँ पर डेफिनेशन आ गया, और इसको डेफिनेशन को आप पढ़ लीजिएगा और इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, और इसका नोट्स आपको ग्रुप में मिल जाएगा, और आपको लिखने में दिक्कत नहीं होगा, और यहाँ से वीडियो को रुका कर भी लिख सकते हैं। ठीक है, और अगला डेफिनेशन आपको ये लिख लेना है, और समझने वाली बात यहाँ से हमारा आता है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर ओ वन ओ और ओ वन और के स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन हो जाता है, तो यहाँ से एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, दो ये ओ हो गया और ओ वन हो गया, ये ओ वन हो गया, ये ओ टू हो गया, और इसमें क्या होगा, ये जी हो गया, ये भी जी हो गया, और इसके एच हो गया ये, और ये एच हो गया, हाइट क्या होगा, एच हो गया। तो यहाँ से इक्वेशन जो आया है मेरा, ये इक्वेशन, इक्वेशन को हम यहाँ पर लिख चुके हैं। ठीक है, जो जो माने हैं यहाँ पर हम इसको लिख देंगे, और जो जो यहाँ पर है के स्क्वायर और एच स्क्वायर सभी को यहाँ पर नाम दे दिया गया है, तो इसको आपको लिख लेना है। इसके बाद अगला क्या करना है, और ये इतना लैंग्वेज को यहाँ पर लिखना है, और यहाँ सही, आप यहाँ पर देखिए जी प्लस एम डॉट ओ जी स्क्वायर। ठीक है, और इसके बाद यहाँ से इक्वेशन आपका आएगा एम के स्क्वायर बराबर एम के स्क्वायर प्लस एम डॉट ओ जी स्क्वायर, और इतना आपको लिखना है, और इस दोनों में से क्या करना है, आपको एम को कॉमन कर लेना है, एम कॉमन करने में कितना आएगा, यहाँ इतना आ जाएगा, और एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से हमारा के का वैल्यू इतना आ गया। ठीक है, और क्या करना है, के का जो वैल्यू है इसको हमको पुट कर देना है, जो हम इतना निकाले हैं मान, और जैसे देख सकते हैं ऊपर में जो ये वैल्यू आया ना, इसमें हमको के का वैल्यू पुट कर देना है, तो यहाँ पर के का वैल्यू हम पुट कर देंगे, कहाँ गया मेरा, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर इक्वेशन तो हमारा आ गया है, यहाँ पर के का वैल्यू इतना पुट कर देंगे, और एच के बदले में इतना लिख देंगे ओ जी। ठीक है, एच क्यों लिखे ओ जी, और फिगर में देखिए
फिगर में इतना हम एच माने हुए हैं और इतना ओ हो गया ये जी हो गया, तो इसके बीच की दूरी क्या होगा, एच। तो इसलिए यहाँ पर हम एच लिख चुके हैं। यहाँ पर हम एच के बदले में ओ जी लिख दिए और इसका फाइनल कितना है, इतना आ गया, इतना बराबर इतना है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए हैं, जब इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वन से, तो आपका ये यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला टर्म दोनों आपस में यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको के का वैल्यू निकालना है, किसका निकालना है, के का। तो इसको बराबर क्रॉस साइड में भेजें तो माइनस में चल जाएगा और के स्क्वायर हो गया। इसमें जो कॉमन होने वाला है ओ जी कॉमन ले लेंगे और के स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर देखिए इतना का वैल्यू जब फिगर से निकालेंगे तो ओ वन जी हो जाएगा और के स्क्वायर हो गया। तो इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लेते हैं। तो एक इसी प्रकार हम सिमिलरली में निकाल सकते हैं, जो हमारा सिमिलरली निकालेंगे एक और इक्वेशन निकलेगा। तो जहाँ ओ वन है ना इसके जगह टू लगा देंगे, जहाँ ओ है इसके जगह ओ वन लगा देंगे, तो इक्वेशन दूसरा हमारा यहाँ पर आ जाएगा। देखिए सेम टू सेम वन जीरो ओ की जगह वन लगा दिए और ओ वन की जगह टू लगा दिए, तो इक्वेशन टू आ गया। देखिए फर्स्ट ये इक्वेशन और टू ये इक्वेशन, तो यहाँ से हमारा ये प्रूफ हो गया। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को यहाँ पर लिखिंग लैंग्वेज में हो गया, ठीक है। इसको आपको नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद हम चलते हैं डिफाइन ऑफ मोमेंटम ऑफ इनर्सिया। देखिए तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इसका डिफिनेशन देना है, मोमेंटम ऑफ इनर्सिया ऑफ ए बॉडी अ लाइन। इसका डिफिनेशन क्या होगा इसको देख लीजिए, यहाँ से आपको इस सभी का यहाँ तक डिफिनेशन है, आप पढ़ सकते हैं और इसको नोट डाउन कर सकते हैं। और समझने वाला बात हमारा यहाँ से आता है, यहाँ से एक फिगर ड्रॉ कर लेना है और ये आपका इक्वेशन होता है, यहाँ पर एक लिख लेना है। और इसमें हालांकि आपको इसमें समझ में आ जाएगा सब, ये सब आपको लैंग्वेज है यहाँ पर, ये फॉर्मूला ये सब को यहाँ पर लिख लेना है, ये आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर, ये सब कैलकुलेशन आसान है। और इसको एक बार अगर नोट डाउन करते हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसको आपको एक बार समझ लेना है, यहाँ पर आपका ये प्रूफ हो चुका है, ठीक है। और अगला आपका क्या है, देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी रोटेशन अबाउट ए फिक्स पॉइंट, ये 2015 में पूछा गया था, ठीक है। तो जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन में ऐड किया हूँ, तो इसको आपको नोट डाउन कर लेना है। देखिए कितना इम्पोर्टेंट है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है, तो ये सब इसका ही है, आपको सभी को लिख लेना है। और मैं कल किस वीडियो टाइप मतलब कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ आपको कमेंट करके जो बताना है ताकि मैं आपको लिए बना सकूँ। ये आपका यहाँ पर ये प्रूफ हो जाएगा। एक और थ्योरम है, ये भी थ्योरम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इस टाइप को 2018 में पूछा गया था लेकिन इस बार के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन आपका नोट्स है तो मैं इसलिए इसको ऐड कर दिया हूँ इसमें। और इस समय मतलब 2019 के लिए कौन सा थ्योरम इंपॉर्टेंट है मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। जो मैं आपको सेपरेट वीडियो बना के दिया हूँ ना दो इंपॉर्टेंट थ्योरम के लिए, ये जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने ये दो थ्योरम आ चुका है जो 2019 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं इसका वीडियो सेपरेट बना के दिया हूँ, अलग अलग वीडियो जाकर इसको आप देख सकते हैं। और 2019 में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन आया ना है लेकिन ये कन्फर्म है कि आएगा ही आएगा, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी तरह एक और वीडियो लाऊंगा जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है और एग्ज़ाम के एक सप्ताह पहले आप सभी का नोट्स क्लियर होना चाहिए, मतलब सभी का नोट्स कंप्लीट होना चाहिए, इसलिए मैं इस तरह फास्ट वीडियो बनाया हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।